कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6D डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम बता दिए थे। आज हम 7 के आगे बताते हैं और 8 से क्वेश्चन को आप समझिएगा पैटर्न को, और फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, जैसे 8 दिया हुआ है, ठीक ना, लिखा हुआ है 9 एक्स स्क्वायर 24 एक्स प्लस 16। सबसे पहले ये देखिए कि किसी फॉर्मूला पर सेट करता है कि नहीं करता है। ऐसे अगर आप थोड़ा आगे चलिएगा ना तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे फैक्टराइज करना, लेकिन अभी देखिए कि किसी फॉर्मूला, कल जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं या प्रीवियस क्लास में, उस किसी फॉर्मूला पे ये सेट कर रहा है या सेट नहीं कर रहा। तो पहले 9 देखिए, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसको आप लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 4, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। हम यहां अपने मन से कर देते 2ab, अपने मन से करते हैं, तो यहां पे 2 लिखें, a के जगह पर आपका क्या है 3x और b के जगह पर क्या है 4, इसको देख करके 2ab। लेकिन आप देखिए तो 2 3 जा 6 4 जा 24x है, मतलब फॉर्मूला बैठ गया ना, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है कि x दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू दिया हुआ है 12 और y का वैल्यू दिया हुआ है, और x का वैल्यू सिर्फ दिया हुआ 12, तो 12 दिया हुआ, तो यहां पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × 12 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 12 3 36, तो 36 प्लस 4 कितना हो गया 40, 40 का स्क्वायर इजिली बन गया। वैसे रखते तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसे ही आप ढूंढिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहां बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कहां बन रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पे देखिए, जैसे दिया हुआ है 64 एक्स स्क्वायर 81 वाई स्क्वायर 144 XY, ठीक। पहले आपको दो खोजना है, एक ए स्क्वायर खोजना है और एक बी स्क्वायर खोजना है, और बाद में 2ab अपने आप लाना है। तो पहले देखे तो ये 64 किसका है, 8 का, तो 8x² ये 9y, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया ना। अब अपने मन से यहां पर लिखेंगे 2ab और देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। तो 2a एक जगह पर क्या लिखेंगे 8x और b के जगह पर लिखेंगे 9y। देखो 2 8 जा 16 9 जा 144 XY आ गया ये, और बैठ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर 8x 9y का होल स्क्वायर। अच्छा यहां पे x का वैल्यू दिया हुआ है 11 और y का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, आपका दिया हुआ x इक्वल टू 11 और y दिया हुआ है 4/3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 8 × 11 9 × 4/3 कट जाएगा 3 बार में,
88 प्लस 12 का होल स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर। तो आप पहले 1 लिख दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 0 है ना, 2 0 है, तो स्क्वायर मतलब 4 0 कर दिया। कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा हमको नहीं ना, फॉर्मूला पर रख के सॉल्व कर दिए। ठीक है, दिमाग में जा रहा है? चलिए फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए देखो 36 एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर माइनस 60 एक्स वाई। अब यहां माइनस है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म में आ सकता है। x का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 और y का वैल्यू दिया हुआ है 1/5। फिर वही चीज खोजेंगे, पहले ए स्क्वायर 36 है तो 6 x का स्क्वायर 5 y स्क्वायर 2 ए बी, यहां लिखेंगे 6x, यहां पे 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आ गया ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो लिखेंगे 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट कीजिए तो 6 इंटू 2/3 माइनस 5 1/होल स्क्वायर, 3 से कटेगा 2 टाइम्स में, 5 से कटेगा एक बार में, 2 जा 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। इजिली सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए, बहुत आसान सा चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। जैसे दिया हुआ है ना, इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 4, फाइंड एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये पता करना है, और दूसरा निकालना है एक्स टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4। ठीक, ये दिया हुआ है, दिया हुआ क्या कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, दिया हुआ मेरे पास x प्लस 1/x इक्वल टू 4, ठीक ना, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो गया x प्लस 1/x का 4 स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कल फॉर्मूला बताया ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहां फ्रेम पहले बना लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab
शुरुआत में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे ही बना लेना, जैसे ही होल स्क्वायर देखना, एक स्क्वायर स्क्वायर टू ए बी, प्लस रहा तो टू प्लस टू ए बी, माइनस रहा तो माइनस, और बराबर यहां पे इक्वल दे दिए, फोर का स्क्वायर कितना होगा 16। अब यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स वन बाई एक्स, और यहां पे एक्स वन बाई एक्स, देखो यहां पे एक्स मल्टीप्लाई में है, यहां पे डिवाइड में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल। यहां पर क्या लिखाएगा, लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस, कितना बचा यहां पर, ये तो एक्स एक्स कट गया है तो बचा सिर्फ टू, 16। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस टू, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर 14 आ गया ना, अब इतना आ गया 14। अब हमको दूसरा पार्ट क्या निकालना है, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x टू द पावर 4, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, हम फिर इस पार्ट को उठा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया है 14, फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर। तो फिर यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर फोर्टीन का स्क्वायर, फ्रेम पहले बनाएंगे, पहला काम है फ्रेम बनाना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196। यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो ये मल्टीप्लाई में ये क्या है डिवाइड में, कैंसिल हो गया, फिर यहां पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स पावर स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा 4, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 196। तो आपका आ गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 196 माइनस 2, एक्स टू द पावर 4 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 190 आ गया ना, इजिली क्लियर है। चलिए हम अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, किसी को डाउट होगी ना तो तुरंत पूछना, ठीक ना, ये नहीं कि अपने दिमाग में डाउट को रखे रहना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ x माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 5, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और फिर दूसरा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x टू द पावर 4, सेम उसी तरीके से, बस फर्क क्या है
कि निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और एक्स पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर। बस क्वेश्चन में यहां पे पहले प्लस था, अब क्या दे दिया माइनस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बनाएंगे उसी तरीके से, पहले यहां पर लेंगे x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना 5, पहले लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर लाना है ना, तो जब तक स्क्वायर करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, और सिंगल सिंगल पर तुम स्क्वायर डाल नहीं सकती हो, जब भी डालेंगे तो पूरे पे स्क्वायर डालेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे लिखेंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, यहां होगा 5 का स्क्वायर, ठीक। फिर यहां से कितना आ गया आपका, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस है, तो माइनस है तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा माइनस टू ए बी, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहां पर लिखेंगे x 1 बाई एक्स, यहां पर x 1 बाई एक्स, देखिए यहां x मल्टीप्लाई में यहां पे डिवाइड में, मतलब एक बार यहां न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। अब करिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू 25, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, उधर गया तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 27। अब जब ये आ गया तो फिर सेम वही चीज करेंगे, इसको लिखेंगे और फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27, है ना। फिर स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 27 स्क्वायर। अब लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि अब प्लस 2ab लिखेंगे, प्लस है फॉर्मूला में, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर यहां एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया, कितना हो गया एक्स टू द पावर 4 720। तो कितना हो गया एक्स टू द पावर 4 1 बाई एक्स टू द पावर 4 729 माइनस 2 एक्स टू द पावर 4
वन बाई एक्स टू द पावर फोर 727। क्लियर है? अब थोड़ा सा कुछ और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, कुछ कंटिन्यू मल्टीपल्स को करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता क्या है उसको समझने के लिए एकदम हम आपको लंबा लंबा सिखाते हैं, कितना भी लंबा रहे क्वेश्चन उसको आप इजीली बना सकते हैं। ये क्लियर है? आप अभी सिर्फ समझिए, आपको सिर्फ अभी काम क्या है, समझने का काम है, लिखने का काम होगा, हम बोलेंगे लिख लीजिएगा। लिखने के लिए आपके पास तो बहुत सारा मौका है, नहीं समझ में आएगा तो देखो एक फॉर्मूला बताऊंगा कल, a माइनस बी और a प्लस बी, अगर ऐसा रहेगा ना तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हम इसको करते कैसे, जैसे मान लेना कि आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिया हुआ है x माइनस y और यहां दिया हुआ x प्लस y, फिर यहां दे दिया x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर हम और लंबा ले लेते हैं x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 और आगे चलते जाइए, अब और लंबा लेंगे बाद में, ठीक। आपको शुरू इधर से करना है, पहले इन दोनों को लीजिए, क्या है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों को मिलाइएगा तो आप लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों का काम खत्म, ये दोनों को जस्ट इसी तरह से यहां पे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर लेकिन अब इन दोनों पे गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर मतलब इसको अगर हम a माने इसको b माने तो देखिए तो दोनों सेम है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दोनों टर्म सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस है, फिर ए स्क्वायर माइनस तो ए स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे तो 4 x टू द पावर 4 और y का पावर भी 4 और फिर ये दोनों को हटा दिए, इसके यहां पे ये लिखे और ये लास्ट में यहां पे लिख दिए, फिर आपको कुछ नजर आ गया होगा, क्या नजर आ गया, फिर देखिए दोनों सेम है बस साइन डिफरेंट है, तो फिर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x टू द पावर 4 का स्क्वायर, तो x का पावर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 8, यहां पर हो गया एक्स टू द पावर 8 वाई टू द पावर 8, इतना कितना भी लंबा रहे इजिली लिख देंगे ना, समझ में आ गई। चलिए तो आपका जो क्वेश्चन है हम लिखते हैं और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। दो क्वेश्चन करते हैं इसमें, ज्यादा नहीं, आप जल्दी जल्दी बोलिएगा। चलिए बोलिए तो क्या होगा जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, ये दोनों को मिलाकर होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर कितना हो गया 9 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो फिर क्या हो गया पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर हो गया, क्या दिमाग में। चलिए तो आप ये बताइए तो 3x 2y
थ्री एक्स टू वाई, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर। डायरेक्ट क्या होगा थ्री, हाँ तो ये होगा नाइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर। अब देखिए फिर दोनों सेम है तब नाइन का स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 81 एक्स टू द पावर 16। और लंबा ले लें, ले लेंगे तो क्या दिक्कत है, इसमें किसी लंबा रहेगा मान लो कि उसमें जैसे अभी थ्री टर्म्स है वन टू थ्री, ऐसे अगर एट टर्म नाइन टर्म या टेन टर्म रहेगा भी तो कर लेंगे ना, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है इसी में दिया हुआ है 2p प्लस 3 और 2p माइनस 3 और फिर 4p स्क्वायर प्लस 9। बोलिए इसका 4p। यस यस यस, क्लियर हो गया, इजी है। चलिए अब हम लोग 14 और 15 जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका फैक्टराइजेशन होगा। फैक्टराइजेशन में हम लोग पूरा एडवांस तक पढ़ेंगे जितना मतलब हो सकता है लास्ट तक, हाँ फैक्टराइजेशन बहुत है उसमें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहले इस दो क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन तो दिया हुआ है 12, इफ एक्स प्लस वाई 12 एक्स वाई इक्वल्स टू 14 फाइंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब क्या है, x प्लस वाई मेरा दिया 12, एक्स वाई दिया हुआ 14, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। x प्लस वाई 12 दिया हुआ है ना, हमको लाना क्या है एक्स स्क्वायर और, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे 12 स्क्वायर। क्लियर, क्या हो गया यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस 2 एक्स वाई 144। फिर यहां पे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, एक्स वाई का वैल्यू तो दिया हुआ है 40 प्लस 144, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां से आ गया आपका 144 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 144 माइनस 28 कितना हो गया, आ गया। कुछ नया चीज हम आपको नहीं बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को बार 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 रिपीट कर रहे हैं। चलिए एक जो लास्ट है उसको भी कर ही देते हैं, फिर आपको बोलने के लिए नहीं रहेगा।
दिया हुआ इफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है, फाइंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम चीज x माइनस वाई दिया हुआ, हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसे पहले उतार लेते हैं इसको, x माइनस वाई 7, अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब चूंकि तुम इससे ज्यादा अवेयर हो गए हो तो बात ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, माइनस है ना, माइनस टू एक्स वाई 49, यहां से हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 एक्स वाई, एक्स वाई आपका कितना है 9, 49 हो गया, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 18 49, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 49 18 60, क्लियर है, तो आपका ये एक्सरसाइज ओवर हो गया, ऑब्जेक्टिव खुद से कर लीजिएगा।